कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे के खिलाफ और मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में वाराणसी के सिविल कोर्ट को जल्द निपटारा करने का आदेश दिया है। तो वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की सिविल कोर्ट को जल्द निपटारा करने का आदेश दिया है। तो वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को कार्य मुक्त कर दिया है और बाकी दोनों कमिश्नरों को सर्वे रिपोर्ट पेश करने की 2 दिन की मोहलत दी है। तो उधर सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सुरक्षित रखने को कहा और लोगों को वहां नमाज पढ़ने से न रोकने के आदेश दिए हैं। दरअसल मुस्लिम पक्ष याचिका में वाराणसी स्थित ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौर परिसर में यथास्थिति बनाए रखने की गुहार लगाई गई है। दलील दी गई कि मस्जिद काफी पुरानी है और वाराणसी कोर्ट का सर्वे का आदेश पूजा स्थल से जुड़े कानून के खिलाफ है और साल 1991 का ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1997 से पहले मौजूद किसी भी धर्म के उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में बदला नहीं जा सकता है। यानी 15 अगस्त 1947 को जो जहां और जिस रूप में था उसे वैसा ही कबूल करना होगा। संविधान कहता है कि तमाम लोगों की आस्था व विश्वास को प्रोटेक्ट किया जाएगा। फिलहाल अब इस मामले में लोगों को 19 मई का इंतजार है। देखना ये होगा कि ज्ञानवापी मसले पर क्या कुछ सामने निकल कर आता है। जस्ट रिपोर्ट, प्राइम टीवी। अब हर किसी की नजरें 19 तारीख को है, 19 मई को। अब क्या फैसला आएगा इस पे सभी को इंतजार है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।